हेलो देवी वॉज यूनी गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज मैंने कुछ दिन पहले नोकिया 6.1 प्लस का इनिशियल इंप्रेशन आप लोगों के साथ शेयर किया था एंड तब से लेके अब तक मैं इसके रिव्यू पे काम कर रहा हूँ। सो डोंट वरी, काफ़ी जल्दी एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग रिव्यू आने वाला है। तो जैसे कि हमने इस डिवाइस के अनबॉक्सिंग में देखा था, इस फोन के साथ आपको 5W 2A का एक स्टैंडर्ड चार्जिंग अडैप्टर मिलता है जो कि फास्ट चार्जर नहीं था। बट इस डिवाइस के डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था कि ये फोन क्वालकॉम 3.0 यानी कि क्विक चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो ऐसे में मैंने इस डिवाइस पे फास्ट चार्जिंग टेस्ट परफॉर्म किया था एंड उसके जो रिजल्ट थे वो टोटली सरप्राइजिंग थे। इसके अलावा मैंने इस बैटरी ड्रेन टेस्ट एंड हीटिंग टेस्ट भी करे हैं। तो आप लोगों के सारे जितने भी सवाल थे जिसमें आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि क्या ये फोन सच में क्वालकॉम 3.0 यानी कि क्विक चार्जिंग को सपोर्ट करता है, इसका फास्ट चार्जिंग टाइम एंड स्टैंडर्ड चार्जिंग टाइम में कितना डिफरेंस है, कौन सा चार्जर आप लोगों को खरीदना चाहिए, क्या इस फोन में हीटिंग इश्यूज हैं एंड इस फोन की बैटरी कितने जल्दी ड्रेन हो जाती है, तो इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो एंड आई नो गाइस आप लोग ये सुनते सुनते बोर हो गए हो, बट प्लीज यार अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और पास में जो बेल नोटिफिकेशन का आइकन बन आएगा उस घंटे पे भी क्लिक कर दो। सो माय नेम इज किंकर, यू गाइस आर वाचिंग टिप टॉप टेक। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स डू द टेस्ट। तो गाइस तो मेरे पास यहाँ पे दो चार्जर्स हैं। जो पहला चार्जर है ये नोकिया का स्टैंडर्ड चार्जर है जो कि आपको इस फोन के साथ मिलता है एंड इसकी रेटिंग है 5V 2A, यानी कि टेक्निकली ये फास्ट चार्जर नहीं है एंड इसमें आपको मैक्सिमम 10W पावर आउटपुट मिलता है। एंड सेकंडली मेरे पास क्वालकॉम क्विक 3.0 सपोर्टेड चार्जर है जिसकी रेटिंग डायनेमिकली 3.2V से 20V तक वेरी करती है एंड इसमें मैक्स पावर आउटपुट आपको 18W तक देखने को मिल जाएगा। तो गाइस सबसे पहले मैं इस फोन को कनेक्ट कर रहा हूँ इसके साथ मिले स्टैंडर्ड चार्जर से एंड स्टैंडर्ड चार्जर से कनेक्ट करने के बाद ऐप रेटिंग में आप वोल्टेज एंड करंट की रेटिंग को चेक कर सकते हो। एक्चुअली आपका डिवाइस मैक्सिमम करंट तब खींचता है जब उसकी स्क्रीन ऑफ हो। स्टैंडर्ड चार्जर के साथ कनेक्ट करने के बाद मैक्सिमम एम्पियर रेटिंग हमें यहाँ पे देखने को मिलती है अराउंड 2A एट 4V, यानी कि मैक्सिमम पावर कंजप्शन इस डिवाइस की तरफ से यहाँ है 8W। अब हम इस डिवाइस को कनेक्ट करने वाले हैं क्विक चार्जर से एंड क्विक चार्जर से कनेक्ट करने के बाद हमें इस डिवाइस में मैक्सिमम एम्पियर रेटिंग देखने को मिलती है अराउंड 3A एट 4V, यानी कि मैक्सिमम पावर कंजप्शन है यहाँ पे अराउंड 12W। एंड क्विक चार्जर से कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको चार्जिंग स्क्रीन में चार्जिंग रैपिडली भी लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। अब इससे एटलीस्ट ये कंफर्म हो जाता है कि इस डिवाइस के हार्डवेयर केपेबल है क्विक चार्जर के हायर पावर एंड वोल्टेज को हैंडल करने में। पर अब ये देखना है कि रियल वर्ल्ड यूजर्स में फास्ट चार्जिंग और नॉर्मल चार्जिंग टाइम में कितना डिफरेंस है, आफ्टरऑल यही चीज सबसे ज्यादा मैटर करने वाली है। तो जैसे कि आप देख सकते हो इस फोन को मैंने कंप्लीटली डिस्चार्ज कर दिया है एंड बेस्ट रिजल्ट के लिए मैं इस फोन को स्विच ऑफ करके चार्ज करने वाला हूं। लेफ्ट हैंड साइड में मैंने इस फोन को स्टैंडर्ड चार्जर से प्लग किया है एंड राइट हैंड साइड में इसे मैंने प्लग किया है क्विक चार्जर 3.0 से। वही गाइस तो चार्जिंग स्टार्ट करने के बाद इस डिवाइस की 3060mAh की बैटरी को 10% चार्ज करने में स्टैंडर्ड चार्जर ने टाइम लिया है 8 मिनट 26 सेकंड्स, वही क्विक चार्जर ने इसे 6 मिनट 41 सेकंड में 10% चार्ज कर दिया है। तो क्विक चार्जर बेसिकली स्टार्टिंग में काफी अच्छा बूस्ट अप लेता है, 70-80% बैटरी को ये काफी क्विकली चार्ज कर देता है, देन उसके बाद जो रेस्ट 20% बच जाता है ये उसे काफी धीरे धीरे चार्ज करता है। तो इससे आपका जो डिवाइस है ये ओवरचार्ज नहीं हो जाता। अगर मान लो आप इसे रात को चार्ज पे लगा के छोड़ दोगे तो ये 80% तक क्विकली चार्ज कर देता है, देन उसके बाद जो है ये चार्जिंग प्रोसेस स्लो कर देता है ताकि आपका डिवाइस जो है ओवरचार्ज ना हो जाए। तो गाइस इस डिवाइस की बैटरी को 15% चार्ज करने में स्टैंडर्ड चार्जर ने टाइम लिया है 13 मिनट, वही क्विक चार्जर ने इसे 9 मिनट 7 सेकंड में चार्ज कर दिया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 4 मिनट का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली। एंड देन उसके बाद 30% बैटरी चार्ज हो चुकी है स्टैंडर्ड चार्जर से 25 मिनट में अप्रॉक्सीमेटली, 25 मिनट 22 सेकंड्स, वही क्विक चार्जर का टाइम है यहाँ पे 21 मिनट एंड 9 सेकंड्स। तो यहाँ पे आप अप्रॉक्सीमेटली काउंट कर सकते हो 4 मिनट का डिफरेंस चल रहा है, हालांकि कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एंड इस बैटरी को 50% चार्ज होने में स्टैंडर्ड चार्जर से टाइम लगा था 44 मिनट, वही क्विक चार्जर ने टाइम लिया है 37 मिनट। अगेन यहां पे डिफरेंस कुछ ज्यादा नहीं है, अगर आप इसे काउंट करोगे आपको 7 मिनट का डिफरेंस देखने को मिलेगा। एंड 70% बैटरी स्टैंडर्ड चार्जर से चार्ज हुई है 1 घंटे 6 मिनट में, वही क्विक चार्जर ने 1 घंटे में इसे 70% चार्ज कर दिया है। अगेन सिर्फ 6 मिनट का डिफरेंस है तो मुझे यहाँ पे कुछ ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज देखने को नहीं मिल रहा है दोनों ही केसेस में। यहाँ पे जो चार्जिंग टाइम है इनमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है एंड यहाँ से जो है चार्जिंग थोड़ी सी स्लो हो जाती है 70% पे आके, एंड यहाँ से 90% पे जाने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो स्टैंडर्ड चार्जर ने 1 घंटे 27 मिनट में इस डिवाइस की बैटरी को 90% चार्ज किया है, वही क्विक चार्जर ने टाइम लिया है 1 घंटे 24 मिनट। तो यहाँ पे सिर्फ 3 मिनट का डिफरेंस है गाइज, आप देख सकते हो यहाँ पे। एंड फाइनली ये जो फोन है ये फुल चार्ज हो गया था स्टैंडर्ड चार्जर से 2 घंटे 6 मिनट में। तो गाइज 90% के बाद आके स्टैंडर्ड चार्जर ने टाइम को जल्दी से कवर अप कर लिया एंड 2 घंटे 6 मिनट में ही इस बैटरी को कंप्लीटली चार्ज कर दिया, वही क्विक चार्जर को 2 घंटे 7 मिनट लग गए। तो इसने बेसिकली 1 मिनट यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया है। अब बेसिकली 70% तक चार्ज करने में जो क्विक चार्जर था वो थोड़ा फास्ट था, अप्रॉक्स 7 मिनट की लीड पे चल रहा था स्टैंडर्ड चार्जर से, बट उसके बाद है चार्जिंग टाइम वो खुद ही स्लो कर देता है ताकि जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया आपका डिवाइस ओवरचार्ज ना हो जाए। तो ऐसे में ज्यादा जो टाइम
डिफरेंस है वो मैक्सिमम आपको 7 से 8 मिनट का मुझे देखने को मिला है फिलहाल इस कॉन्फ़िगरेशन में जो मैंने चार्ज करा है। तो गाइज़ रिजल्ट को देखते हुए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि फिलहाल आपको इस डिवाइस के साथ किसी भी क्विक चार्जर में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो चार्जर आपको इस फ़ोन के साथ मिला है वो चार्जर और अगर आप एक क्विक चार्जर खरीदते हो तो इन दोनों में जो चार्जिंग टाइम का डिफरेंस है वो आपको मैक्सिमम 10 मिनट का देखने को मिलेगा। तो ऐसे में 1000 से 1500 रुपये खर्च करने का कोई सेंस नहीं बनता, तो मेरे हिसाब से आप स्टैंडर्ड चार्जर ही यूज़ करो। बट अगर आपके लिए 10-15 मिनट भी मैटर करते हैं तो आप एक क्विक 3.2 चार्जर खरीद सकते हो, मैं आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये तो था गाइज इसका चार्जिंग टेस्ट, अब हम बढ़ते हैं इसके बैटरी टेस्ट की तरफ। इस डिवाइस की बैटरी कैपेसिटी है 3060 mAh की एंड इसका बैटरी बैकअप आपके यूजेस पर डिपेंड करेगा, तो ऐसे में एक एग्जैक्ट टाइम फिगर देना काफी मुश्किल है, पर मैं आपको मेरी यूजेस के अकॉर्डिंग बैटरी ड्रेन के स्टैट्स दिखाता हूँ। विदाउट 4G वाईफाई कनेक्टिविटी पे ऑनलाइन वीडियोज एंड मॉडरेट यूजेस पे इस फोन की बैटरी ने 50-60% ब्राइटनेस पे अराउंड 8 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम मुझे दिया है। वही 4G कनेक्शन के साथ VoLTE कॉलिंग एंड PUBG के कंटिन्यूस गेम प्ले के साथ 100% ब्राइटनेस पे इस बैटरी ने 4 घंटे तक साथ दिया था। अब इस फोन पे मैंने एक्सट्रीम बैटरी टेस्ट किया है जिसमें मैंने इस फोन की बैटरी को 100% कर दी है एंड मैक्सिमम परफॉर्मेंस यानी कि 100% CPU एंड अदर रिसोर्सेज यूजेस पे मैंने इस बैटरी का बैकअप कैलकुलेट किया है। सेम सिचुएशन को आप तब रिलेट कर सकते हो जब आप अपने फोन में 100% ब्राइटनेस पे कोई CPU इंटेंसिव गेम खेल रहे हो या फिर कोई और टास्क परफॉर्म कर रहे हो। इस टेस्ट में CPU में मैक्स पेलोड पड़ रहा है एंड स्ट्रेस टेस्ट को 15 मिनट होते ही बैटरी और फोन दोनों ही हीट होना स्टार्ट हो जाते हैं और आधे घंटे में ही मैक्स टेम्परेचर कैप्चर हुआ है 62°C। इस टाइम तक ये फोन काफी हीट हो चुका है स्पेशली बैक साइड से और मैक्सिमम टेम्परेचर एरिया है कैमरा के साइड का जहां पे इस फोन की चिपसेट लगी है। अब 100% से 15% तक इस फोन की बैटरी को ड्रेन होने में लगे हैं 108 मिनट यानी कि 1 घंटे 48 मिनट में इस फोन की बैटरी 100 से 15% तक ड्रेन हो चुकी है और अब तक इस फोन की डिस्प्ले एंड स्पेशली टॉप फ्रंट पैनल जो है ये भी थोड़ा सा गर्म हो चुका है एंड 15% बैटरी कैपेसिटी पे आने के बाद इस फोन का परफॉर्मेंस थोड़ा सा कम हो रहा है। बेसिकली CPU यहाँ पे बॉटलनेक कर रहा है क्योंकि मैक्सिमम परफॉर्मेंस के लिए CPU को जितना पावर चाहिए उतना पावर उसे बैटरी की तरफ से मिल नहीं रहा है एंड परफॉर्मेंस डाउनग्रेड होने के बाद भी टेम्परेचर यहाँ पे अराउंड 62°C पे मेंटेन्ड है। फाइनली बैटरी को 15% से टोटली डिस्चार्ज होने में टाइम लगा है 25 मिनट 22 सेकंड यानी कि फुली पेलोड पे इस डिवाइस की बैटरी बैकअप है अराउंड 2 घंटे 13 मिनट यानी कि अगर आप इस फोन को मैक्सिमम परफॉर्मेंस पे यूज करोगे 100% ब्राइटनेस पे तो ये आपको अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे 13 मिनट का बैकअप देने वाला है। तो गाइज ये एक्सट्रीम टेस्ट है जिसमें हमने जो CPU यूजेस है वो 100% रखी थी और इस टेस्ट में मुझे CPU के मैक्स परफॉर्मेंस के 30% पे थर्मल थ्रॉटलिंग देखने को मिली यानी कि टेम्परेचर ज्यादा होने पर 30% ऑफ द टाइम CPU का परफॉर्मेंस डिक्रीज हुआ है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि बैटरी बैकअप ऑलवेज डिफर करता है आपके यूजेस के अकॉर्डिंग, बट फिर भी अगर आप अपने फोन में मैक्सिमम परफॉर्मेंस पे अगर कोई गेम खेलोगे या फिर उस पे कुछ CPU इंटेंस टास्क करोगे तो ऐसे में कंटिन्यूस यूजेस के दौरान ये आपका 2 से लेकर 2.5 घंटे तक साथ देने वाला है। सपोज अगर आप इसमें PUBG खेलोगे तो कंटिन्यूसली अगर आप इसमें PUBG खेलोगे तो वो 2 से 2.5 घंटे तक आपके फोन में चलने वाली है। इसके अलावा गाइस हीटिंग के बारे में मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम जो CPU टेम्परेचर गया था वो गया था 69°C जो कि मॉडरेटली नॉर्मल कह सकता हूं मैं इसको, क्योंकि मैक्सिमम लोड पे CPU टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होना ही है और ऐसे में जो थर्मल थ्रॉटलिंग है वो भी ऑब्वियस सी चीज है। तो मुझे इसकी परफॉर्मेंस के मामले में कोई भी शिकायत नहीं है। ऑफ कोर्स जो प्राइस आप पे कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको जो परफॉर्मेंस मिल रही है वो काफी सेटिस्फाइंग है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पास में जो बेल नोटिफिकेशन का आइकन बन के आएगा उस पर भी क्लिक कर दो। प्लीज कमेंट में कुछ ना कुछ लिख के बताओ मुझे, मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं। सो थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, आई विल कैच यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पीस।